कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रुपए का सिक्का आपको दे सकता है 5 से 6 लाख रुपए, वो मैं बताऊंगा मेरे इस वीडियो में। नोट और सिक्कों के बारे में सच्ची जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर दबाइए बेल बटन ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रुपए के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऐसे सिक्के के बारे में जो आपको दिला सकता है 5 से 6 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये एक 100% असली और सच्ची न्यूज है, ये एक फेक न्यूज नहीं है। आपको मैं एक ऐसा सिक्का बताऊंगा जिससे आपको मिल सकते हैं 5 से 6 लाख रुपए गारंटी। तो चलिए देखते हैं वो सिक्का कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हैं मेरे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिक्के। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1840, पीछे है विक्टोरिया क्वीन, यहां पे भी देखिए विक्टोरिया क्वीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारे सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। ये है विलियम फोर का सिक्का 1835, ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपी। तो ये सारे के सारे जो है 1 रुपी के सिक्के हैं। ये सारे के सारे सिल्वर कॉइन्स है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बनाए गए थे। तो हम बात करते हैं कि इनमें से कौन से सिक्के रेयर होते हैं और कौन से सिक्के की कितनी कीमत आपको मिल सकती है। पहले हम बात करते हैं क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये सिक्के पड़े हैं। मुझे कमेंट्स में भी लोगों ने कहा था कि हमारे पास 1840 का ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है, उसे कितनी वैल्यू मिल सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिक जो वैरायटी है वो 2 वैरायटी है। ये है कंटिन्यूस लेजेंड की वैरायटी, ये देखिए विक्टोरिया क्वीन कंटिन्यूस लिखा हुआ है इसमें, इसके लिए इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस लेजेंड। और यहाँ पर देखिए विक्टोरिया क्वीन डिवाइड हो गया है, यहाँ पर विक्टोरिया है, यहाँ पर क्वीन है, तो इसे हम कहते हैं डिवाइडेड लेजेंड। ये तो बेसिक वैरायटी है, इसके बाद अंदर और बहुत सारी वैरायटी होती है, मिंट कौन सा है, कितनी बेरीज है यहाँ पे, ऐसे अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक वीडियो में मैं तो क्या कोई भी कवर कभी कर नहीं सकता है क्योंकि बहुत डीप स्टडी लगती है ब्रिटिश के कॉइन्स को समझने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक कॉमन सिक्के हैं तो आपको कितने रुपये मिल सकते हैं और जो इन सब में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे रेयर सिक्का है आपको उसकी कितनी वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों जो 1840 का क्वीन का रुपया है जो मैंने आपको बताया डिवाइडेड में और कंटिन्यूस में, अगर आपके पास एक कॉमन वाले सिक्के हैं जो कि सिल्वर में बनाए गए हैं तो आपको इसके यूज कंडीशन के आ सकते हैं 1000 से 1100 रुपये। और अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन है, जैसे कि ये देखिए ये एक ग्रेडेड कॉइन है MS61 ग्रेड ग्रेडेड बाय NGC, अगर आपके पास ऐसे UNC कॉइन है इतने अच्छे ग्रेड में तो आपको रॉ कॉइन के आ सकते हैं 2 से 2500 रुपये और ऐसे ग्रेडेड कॉइन्स के आपको ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। मैंने पर्सनली ये सिक्का जो ये वाला सिक्का है मैंने खरीदा था 5000 रुपये में, ये मेरे कलेक्शन में है, ये बेचने के लिए नहीं है। ये MS61 ग्रेड आया है, वापस जो ग्रेडिंग स्केल होती है वो होती है 70 तक, शेल्डन ग्रेडिंग स्केल कहते हैं हम इसे, जो 1 से लेकर 70 तक होती है और ये MS61 है और ये सीरीज में ये काफ़ी अच्छा ग्रेड माना जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे कंडीशन में है जो मेरे पास पड़े हुए हैं तो आपको इसके आ सकते हैं 1000 से 1200 रुपये एक सिक्के के। ये जो सिक्का है ये 11.66 ग्राम्स का होता है और ये सिल्वर का कॉइन है, तो आपको कॉमन सिक्के के 1000 से 1200 रुपये मिल सकते हैं जो कि ऐसे कंडीशन में है और यूएनसी कॉइन्स के आपको 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। ये जो मार्केट के जो रेट्स हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड प्राइस कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यूएनसी कॉइन्स की आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो कॉइन्स बहुत कम प्रिजर्व हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये विलियम के कॉइन के बारे में जो कि है 1835 का कॉइन, 1835 का ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन विलियम फोर। ये सब में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे में मिंट बेरीज और ऐसी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी आती है, मगर मैं आज का वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर कवर कर रहा हूँ। मिंट और वैरायटीज के बारे में हम फिर कभी कवर करेंगे।
तो ये जो 1835 का विलियम का रुपी है, ये शुरुआत में जब मैंने कॉइन कलेक्शन चालू की थी तब इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग 3000 के आसपास एक यूज कॉइन बिकता था और यूएनसी तब भी महंगा था, आज भी महंगा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा यूएनसी कॉइन जमा करना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें ऐसे कंडीशन के विलियम कॉइन की, तो आपको अगर ये कंडीशन का कॉइन है तो आपको उसका 1500 रुपये आ सकते हैं। अगर ये सेम कॉइन थोड़ा और बेटर ग्रेड में होगा तो उसकी रेट्स इंक्रीज होगी, मगर जो मेरे पास ये कॉइन पड़ा हुआ ये इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए मैं इसके लगभग 1500-1600 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में, जेम यूएनसी कंडीशन में के ऐसा ग्रेड आ सकता है MS61 या MS62, तो आपको इसी विलियम के रुपए के आपको मिल सकते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिक्का जो मेरे पास 1500 रुपए का पड़ा हुआ है, ये सेम सिक्का अगर यूएनसी कंडीशन में होगा तो आपको उसके 8 से 10 हज़ार रुपये आ सकते हैं जेम यूएनसी कंडीशन के। यही फ़र्क होता है एक यूएनसी और एक यूज कॉइन में, कि जो यूज कॉइन रहती है उसकी वैल्यू हमेशा कम रहती है और यूएनसी कंडीशन की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं सबसे रेयर कॉइन के बारे में। तो सबसे रेयर कॉइन है वो है 1840 का कॉइन, लेकिन उसके पीछे है विलियम का पोर्ट्रेट। समझ लीजिए कि ये आगे ऐसा होना चाहिए 1840 का और पीछे होना चाहिए विलियम। ये जो कॉइन है, ये कॉइन रिसेंटली ऑक्शन में बिका भी था और इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 5.5 से 6 लाख रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का जो कि 1840 का है, लेकिन उसके पीछे विक्टोरिया नहीं है, उसके पीछे है विलियम। समझ लीजिए कि अगर ये सिक्का ऐसा होता था, ये विलियम है यहाँ पे और आगे है 1840, तो आपको ऐसे सिक्के के मिलते थे कम से कम 5.5 से 6 लाख रुपए। दोस्तों ये सारे के सारे सिक्के ओरिजिनल है, मगर इसमें बहुत नकली सिक्के आते हैं। सबसे ज़्यादा नकली सिक्के मैंने इसी वैरायटी में देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप कॉइन्स खरीदें तो इसमें असली और नकली का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नकली सिक्के आते हैं। अब इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन डेटों के अलावा कोई भी सिक्का सर्कुलेशन के लिए इशू नहीं किया था। अगर कोई आपको बोलता है कि उसके पास 1818 का 1 रुपये का सिक्का है, 1816 का है, 1717 का, या फिर 1616 का 1 रुपये का सिक्का है, तो सारे सिक्के फेक है, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के इन्हीं डेट्स में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि सर्कुलेशन के लिए इशू किए गए थे। पैटर्न में अलग डेट आती है, मगर अगर हम बात करें सर्कुलेशन वाले इशू की, तो जो डेट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपये सिर्फ उन्हीं डेटों में आती है। तो दोस्तों ये थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपये सिक्कों के बारे में। अगर आपके पास ये सिक्के कॉमन कंडीशन में, तो उसकी वैल्यू कम है और मैं उसका बायर नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये वाले सिक्के जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आपके पास ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम इन सिक्कों में यूएनसी कंडीशंस के बायर हैं और यूएनसी कंडीशन कॉइन हम अच्छे प्राइस पर खरीद रहे हैं। तो अगर आपके पास ये विलियम का या फिर ये क्वीन का ऐसे यूएनसी कंडीशन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे वो कॉइन जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपए के सिक्के के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये कितने अलग अलग ईयर में आते हैं। मैंने इसमें डिटेल वैरायटी कवर नहीं की क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे चुका हूं कि अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आपको उसके कितने पैसे मिल सकते हैं। मैंने आपको एक 1840 के विलियम के सिक्के के बारे में बताया, जो कि आज की तारीख में 5 से 6 लाख रुपए का आराम से है। तो अगर आपको ये सिक्का है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के, कौन से सिक्के कितने के, कितने महंगे, कितने सस्ते, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। नोट और सिक्कों के बारे में सच्ची जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर दबाइए बेल बटन, ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें।